हेलो गाइस एंड वेलकम टू सीरीज़ ऑफ उत्तराखंड के कमिश्नर्स। तो आज बात करते हैं हेनरी रैमजे के बारे में। 10 फरवरी 1856 ईस्वी में हेनरी रैमजे कुमाऊँ के कमिश्नर के रूप में नियुक्त हुए थे। हेनरी रैमजे कमिश्नर लशिंगटन के दामाद थे तथा तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के चचेरे भाई थे। 1840 में इन्होंने कुष्ठ रोगियों के लिए पूर्वी अल्मोड़ा में पत्थर के झोपड़ीनुमा घर तथा अल्मोड़ा बस स्टेशन से 2 मील पहले कुष्ठ रोगियों के लिए आश्रय बनवाए थे। इन्होंने नैनीताल को स्कूली शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित करने का कार्य किया तथा इनके शासन में 1850 में मिशनरी स्कूल, 1867 में शेरवुड स्कूल, 1878 में सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल का भी निर्माण करवाया गया था। 1850 में रामनगर की स्थापना करने वाले कमिश्नर हेनरी रैमजे को कुमाऊँ का राजा भी कहा जाता है। इन्होंने पहली बार कुमाऊँ में आलू की खेती की शुरुआत करवाई थी। 1854 में डॉक्टर पियर्सन के द्वारा छोटी माता या खसरा का सफलतापूर्वक टीकाकरण रैमजे के काल में ही हुआ था। 1857 के विद्रोह के दौरान रामपुर से आए विद्रोहियों के दल ने वर्तमान हल्द्वानी व काठगोदाम क्षेत्र में लूटपाट की, जिसे रैमजे ने गोरखा सैनिकों की मदद से शांत किया। कुमाऊँ क्षेत्र में 1857 में मार्शल लॉ लागू किया गया था। नैनीताल में स्थित फांसी गधेरे में विद्रोहों को फांसी की सजा दी गई थी। 1857 के विद्रोह का कुमाऊँ व गढ़वाल पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ा, जिसके कारण इसके कुशल प्रशासन को माना जाता है। 1857 की क्रांति के बाद पी वैली को उत्तराखंड की न्यायिक समीक्षा के लिए भेजा गया था। इनके शासनकाल में 1858 में पादरी विलियम बटलर ने नैनीताल में भारत के प्रथम मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना की थी। 1867 व 1880 में नैनीताल में भूस्खलन की घटना हुई थी। इनके द्वारा हिलसाइड सेफ्टी कमेटी का भी गठन किया गया। इस प्रकार उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन का प्रथम प्रयास हेनरी रैमजे ने ही किया था। इनके काल में बैटन के द्वारा लागू 8वां भूमि बंदोबस्त भी पूर्ण हुआ था। हेनरी रैमजे ने सहायक आयुक्त के नेतृत्व में 1863 में भूमि बंदोबस्त लागू किया। इनके शासनकाल में 1869 में रानीखेत में थाने की स्थापना की गई थी। 1872 में तराई को कुमाऊँ कमिश्नरी में शामिल किया गया था तथा 1884 में काठगोदाम में रेल मार्ग का निर्माण भी करवाया गया। इन्होंने उत्तराखंड में वन संरक्षण के लिए पहली बार प्रयास किया था तथा सिविल पुलिस के स्थान पर राजस्व पुलिस बनाया। इनके समय में तराई व भाबर क्षेत्र में नदी नालों से सिंचाई के लिए गूलों व नहरों को बनाने का कार्य भी शुरू हुआ था। 1883 में इन्होंने तराई भाबर के विकास हेतु तराई उत्सर्जन निधि बनाई। 1884 में हेनरी रैमजे कुमाऊँ कमिश्नर के पद से सेवानिवृत्त हुए। इसके बाद भी वह 8 साल तक कुमाऊँ में ही रहे। दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू।